I am Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center Sahi Upchar. मैंने चार खजानों की बात करी थी, अंदर के चार खजाने, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट. आज मैं हेल्थ सेट के ऊपर बात करूंगी. निरोगी काया सबसे बड़ा भगवान का तोहफा है आपको. ये ताज पहनाता है हमारे सिर पर, और जब ताज गायब हो जाता है तो आपको ध्यान जाता है कि ताज किसने ले लिया. सचमुच जब हेल्दी होते तो आप इसके पर ध्यान नहीं जाता. जब आप अनहेल्दी हो जाते हैं तब आपको हेल्थ की कीमत समझ आती है. मैं तो डॉक्टर हूं. आप किसी को अस्पताल में जाइए, देखिए कितनी बीमारियां हैं. तन की बीमारी, मन की बीमारी, नेगेटिव सोच की बीमारी, लेडी घर में पोछा लगा रही है फिर भी मां की जाती पंखा ना चलाए. हम जो कर्मचारी आते हैं उनको जानवर से ज्यादा बुरा ट्रीट करते हैं. तो आज आप संकल्प लीजिए, आप तन से हेल्दी होंगे. तन से हेल्दी करने के लिए क्या है, आपने चेकअप कराना है कि मैं ठीक हूं कि नहीं ठीक हूं, कुछ टेस्ट कराने हैं. और सबसे मोटी चीज है, जाएंगे अपना बीएमआई टेस्ट कराएंगे. नॉर्मल बीएमआई 19 से 23 के ऊपर में होना चाहिए. 19 से 27 के बीच में आप ओवरवेट हैं, 27 और 27 से ऊपर आप ओबीज हैं, और अगर आप 32.5 बीएमआई है और आपको बीमारियां या हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या फैटी लिवर है या डिसलिपिडीमिया, तो आप मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं. और अगर ये कुछ नहीं है तो 35 अगर आपका बीएमआई है तब आप मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं. नाम कहता है कि ओबेसिटी जिसमें कि बीमारियां ही बीमारियां. दूसरा चीज जो हिंदुस्तानियों का पेट बाहर निकला होता है उसको मैं बोलती हूं हंडिये वाला पेट. हंडिये वाला पेट बहुत सारी मिठाइयां जो लेके आते हैं वो बीमारियों की मिठाई लेके आता है. सिंपल टेस्ट है, आपकी जो हाइट इंचेस में है आपकी कमर इससे आधी होनी चाहिए. ठीक सुना आपने, कमर आपकी आधी होनी चाहिए आपकी हाइट से. अगर ये चीज है, ब्लड प्रेशर आपका 80, नीचे वाला ब्लड प्रेशर आपका 80 से ज्यादा है, ब्लड शुगर आपकी फास्टिंग 80 से ऊपर है, तो आप अपने सब टेस्ट कराइए और फिर हेल्दी भोजन करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. भोजन कम 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 और एक्सरसाइज ज्यादा 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 करनी पड़ेगी. और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ लोगों को मदद जरूर देनी पड़ेगी. इससे आप हेल्दी होंगे, आप यहां पर हेल्दी होंगे, आप शरीर से हेल्दी होंगे, अपने इमोशन से हेल्दी होंगे. आपकी किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से स्पर्धा नहीं है. आपने आज प्रॉमिस करना है आप खुद हेल्दी बनिए, परिवार को हेल्दी बनाइए, हिंदुस्तान को हेल्दी बनाइए. चलिए मेरे साथ एम्बेसडर ऑफ हेल्थ बन जाइए. धन्यवाद आपको सुनने के लिए.